संजय गांधी अस्पताल में आज एक और मौत हो गई। वह मौत उस घटना से जुड़ी है जो पिछले दिनों सबसे चर्चित घटना थी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं मोहनिया घाटी के उस पार बस एक्सीडेंट की, जिसमें काफी लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी। आज संजय गांधी अस्पताल ने एक और मौत देखी बस एक्सीडेंट को लेकर। हमारी टीम ने संजय गांधी अस्पताल के सीएमओ डॉक्टर यज्ञेश त्रिपाठी सहित महिला के पति से बात की। सुनिए उनका पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहना था। पिछले दिनों मोहनिया टनल के आगे भीषण सड़क दुर्घटना में कई मौतें हो गई थी, उसी में एक मौत और हो गई। बीती रात उपचार के दौरान सावित्री कोल पति श्यामलाल कोल उम्र 35 साल निवासी बाघड़ रामपुर नैकिन की भी मौत हो गई। इस गांव के 8 लोगों की मौत इस हादसे में पहले ही हो चुकी है। हम आपको बता दें, सतना में देश के गृह मंत्री अमित शाह की रैली थी, जिसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सहित कई सांसद मंत्री विधायक मौजूद थे। इसी रैली से वापस लौटते समय टनल को पार करने के बाद तीनों बसें वहीं पर खड़ी थीं। उसी दौरान एक तेज रफ्तार ट्रक ने बसों को ठोकर मारा, नतीजे के रूप में इलाके में कोहराम मच गया। तत्काल ही प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर राहत बचाव कार्य प्रारंभ किया। घायलों को उपचार के लिए रीवा के संजय गांधी अस्पताल भिजवाया गया। प्रदेश के मुख्यमंत्री घटना स्थल पर रात को ही पहुंच गए थे। उसके बाद उन्होंने रीवा के संजय गांधी अस्पताल में घायलों से मुलाकात की थी, उन्हें उचित उपचार का भरोसा दिलाया था, जरूरत पड़ने पर एयरलिफ्ट की बात भी कही थी, जिसके चलते कुछ घायलों को एयरलिफ्ट करके इलाज के लिए बेहतर सेंटर में भी भेजा गया है। सावित्री की हालत गंभीर थी, उनको ब्रेन हैमरेज था, जो कि हमें जानकारी मिली वो बेहोशी की हालत में थी, जहां बीती रात संजय गांधी अस्पताल में उनकी मौत हो गई। इस बात की पुष्टि संजय गांधी अस्पताल के सीएमओ डॉक्टर यज्ञेश त्रिपाठी ने भी की है। हमारी टीम ने महिला के पति, इलाके की कांग्रेस नेत्री जो उनके साथ आई हुई थी, क्योंकि उन्हीं के इलाके का ये मामला था, डॉक्टर से बात की। हम आपको सुनाएंगे उनका क्या कुछ कहना था। बात की जाए हादसे की, तो इस हादसे में कई मौतें हो गई थीं, जिसको लेकर तत्काल ही मुख्यमंत्री भी तमाम बातें छोड़कर रीवा के संजय गांधी अस्पताल सहित उस जगह पर भी गए थे जहां ये दुर्घटना घटी थी। मोहनिया टनल को पार करने के बाद ही तीन बसें खड़ी थीं, उसी तीनों बसों को ट्रैक ने एक एक करके ठोकर मारा था, जिसकी वजह से ये गंभीर हादसा हुआ था। सुनिए हमने जिनसे भी बात की उनका इस मामले को लेकर क्या कुछ कहना है। हाँ बताई। सावित्री रैली में गए थे, रैली से फिर यहाँ भर्ती हुई थी और फिर खत्म हुई। आपका नाम? श्यामलाल कोल। यहाँ कितने दिन एडमिट रही? यहाँ आज छठवां रोज। सर, ये जो बस हादसा हुआ था उसमें क्या एक और मौत हुई है आज? मोहनिया सड़क दुर्घटना में जो घायल भर्ती थे हमारे यहाँ, उसमें कल रात्रि में एक मरीज सावित्री पत्नी श्यामलाल कोल भी भर्ती थी, जिन्हें कल रात में अचानक सीरियस हुई, वो अचानक अटैक हुआ, उन्हें कार्डियक अरेस्ट में गई और उसको हम बहुत कोशिश के बाद ही बचा नहीं पाए हैं, उनकी मृत्यु हो गई है। आपका क्या नाम है, क्या है घटना, क्या हो गई? जी मैं वसुधा सिंह हूँ, भरतपुर सरपंच, रामपुर नेकिन ब्लॉक अध्यक्ष, कांग्रेस पार्टी। हमारे क्षेत्र के हैं कक्कू की वाइफ सावित्री कोल, इनके मोहनिया घाटी टनल में दुर्घटनाग्रस्त हुई थी, उसी समय इनको भर्ती कराया गया था। 8 लोगों की तो उसी दिन डेथ हो गई थी। इनका ब्रेन हैमरेज था सर, तो होश अभी तक आया नहीं था। कल रात को 8 बजे इनकी डेथ हो गई। तो मॉर्निंग में आए हैं तो इन्फॉर्मेशन हिला हाली जैसा होता है वैसा ही था, तो यहाँ पे आके अभी करके उनका सबसे फर्स्ट नंबर पे पोस्टमार्टम कराया, अभी कंप्लीट हुआ, बॉडी रिलीज करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। आपका कहने का मतलब है कि ये वो उसी घटना की आप बात करनी जिसमें सीएम भी आए थे? जी, सीएम साहब आए रहे, 2 बजे रात में आए थे,